ये सवाल पीछे आपके है, जो सवाल आप देख सकते हैं, कब थमेगी तस्करी? ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं ये आपको समझाते हैं इस वक्त के बड़ी खबर के साथ। हम आपको समझाते हैं, पटना में उत्पाद विभाग की टीम की सफलता देखने को मिली है। जिस तरीके से सरकार जो है वो लगातार कई बातें कहती है, सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से शराब बरामद हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां फुलवारी एम्स अस्पताल के आसपास की तस्वीरें देखने को मिली है, फुलवारी एम्स इलाके से 40 लाख रुपए की, लगभग 40 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। सहायक उत्पाद आयुक्त ने मामले में जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि यूपी नंबर के ट्रक से चंडीगढ़ से शराब लाई जा रही थी, जो कि कपड़े की आड़ में, यानी कि उस ट्रक से कपड़े लाए जा रहे थे और उस कपड़े की आड़ में भारी मात्रा में बिहार में शराब खपाने की तैयारी थी। हालांकि इस पूरे कार्रवाई के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, किस तरीके की तस्वीरें, ये देख लीजिए, भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। शराबबंदी कानून की कहीं ना कहीं ये पोल खुल रही है, कैसे कपड़े के भीड़ में इस शराब को खपाने की पूरी तैयारी थी। और ये देख, लगभग जो बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक, लगभग 40 लाख रुपए की ये शराब है, जो कि बिहार में खपाने की तैयारी थी, और राजधानी तक पहुंच जाना इन शराबों का कई सवाल खड़ा करता है। ये मात्रा आप देख सकते हैं बखूबी इन तस्वीरों के जरिए, कि किस तरीके से यहाँ शराब की जो खेप थी, अगर ये बिहार पहुँचती तो इसका क्या होता, क्या जो दावे किए जा रहे थे या जो दावे अब तक किए जाते हैं प्रशासन के तरफ से, वो दावे इस पर कितना सही और सटीक साबित होते हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें रही, हमारे सहयोगी धीरेंद्र ने जब अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कानून लागू है, इसके बावजूद भी शराब तस्कर तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना उत्पाद विभाग के द्वारा इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी मात्रा में पटना उत्पाद विभाग के द्वारा शराब की खेप की बरामद की गई है। आप सर, कहां से शराब बरामद की गई है? ये ट्रक से मिला है शराब। ये ट्रक खड़ी थी लवारिस अवस्था में नवतपुर के पास, एम्स के आगे रोड पर खड़ी थी। हम लोग को सूचना मिली थी कि विक्रम से आ रही है शराब की खेप आने वाली है। हम लोगों ने रास्ता में 3-4 टीम लगाए हुए थे, तो वैसे ही देखे कि यहाँ पर नौबतपुर के पास एक गाड़ी लगी हुई थी, ट्रक लवारिस अवस्था में, कोई ट्रक का ड्राइवर नहीं था ना कोई आगे पीछे था। तो उसके जब चेक किया गया, पटना उत्पाद विभाग जो है कार्रवाई करते नज़र आ रही है शराब माफिया और शराब पीने वालों पर, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इतना कार्रवाई करने के बावजूद भी है जो शराब तस्कर मान नहीं रहे हैं, शराब तस्करी कर रहे हैं, और पटना उत्पाद विभाग जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। धीरेंद्र कुमार, डीटीवी भारत, पटना। तो चलिए, ये सवाल हम क्यों ना पूछे कि कब थमेगी तस्करी आखिर, और इस तस्करी के कारण कौन से हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेंद्र जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र, क्या लगता है सरकार और प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, ये दावे आज हम सवाल पूछ रहे हैं, तो